हाँ भाई, तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था जीके का पार्ट वन, है ना। हम एक जीके का पूरा सिस्टम तैयार करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक आपको जो बेसिक नॉलेज है ना देश दुनिया का, वो हो जाए। देश दुनिया का नॉलेज मतलब कि जो आसपास हमारी घटनाएं घटित हो रही हैं, जो बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए उन पर हम कर रहे हैं काम। तो चलिए आज हम जो देखने वाले हैं वो कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे देखने वाले हैं, लेकिन कल जो हमने पढ़ा था उसका एक रिवीजन हम यहाँ पर करना चाहेंगे। हमने कल टाइम के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? टाइम। और हमने बात किया था यूनिट ऑफ टाइम की। टाइम की यूनिट क्या है? वेरी गुड, सेकेंड है। टाइम की यूनिट है सेकेंड, तो हमने सेकेंड की बात किया था, ठीक। इसके बाद में हमने ये देखा था कि सेकंड को अगर हम गुच्छे में जोड़ दें, यानी कि सेकंड को हम जोड़ के, ढेर सारे सेकंड जोड़ के और बड़ी टाइम की यूनिट बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। हमने देखा था कि 60 सेकंड को जब हम आपस में जोड़ते हैं और 60 सेकंड को एक साथ हम क्या कहते हैं फिर? वन मिनट। वेरी गुड, एक मिनट कहते हैं, ठीक। फिर 60 मिनट को अगर हम आपस में जोड़कर काउंट करते हैं तो वन आवर हो जाता है ना, एक घंटा हो जाता है। बहुत बढ़िया। फिर हमने 24 घंटे को आपस में जोड़ा था कि भाई 24 घंटे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक दिन, यानी वन डे, वन डे हो जाएगा। इतना समझ में आया था? yes, सबको आ गया था? yes, बहुत अच्छे। अब वन डे के बाद में हमने 7 डे को एक साथ जोड़ा था। 7 डे को हम एक साथ क्या बोलते हैं? वन वीक, यानी कि एक सप्ताह बोलते हैं। बोलते हैं, चलिए। फिर हमने 2 सप्ताह को आपस में जोड़ा था। 2 सप्ताह यानी 15 दिन लगभग। 15 दिन को हम क्या बोलते हैं? एक पखवाड़ा बोलते हैं। पखवाड़ा शब्द बहुत सारे बच्चों ने कल पहली बार सुना था ना, जनरली यूज नहीं होता इस कारण, एक पखवाड़ा। अब 4 सप्ताह को जब आपस में मिलाते हैं, न्यूनतम 4 सप्ताह और कुछ में 2-3 दिन ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब 30 डेज। 30 डेज को या 2 पखवाड़े को जब आपस में जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वन मंथ बनकर कंप्लीट हो जाता है। और 12 मंथ को जब हम जोड़ते हैं, 12 महीनों को एक साथ जोड़ते हैं तो क्या बनता है? वन ईयर। तो कल हमने वन मंथ तक पढ़ा था कि वन ईयर तक पढ़ा था, वन मंथ तक पढ़ा था, है ना। फिर जब हम 12 महीनों को एक साथ जोड़ लेते हैं तो हो जाता है हमारा एक साल, यानी कि एक ईयर। यहाँ तक क्लियर? चलिए अब मैं बोलूँगा, आप जवाब देंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ टाइम क्या है? समय की इकाई क्या है? यूनिट ऑफ टाइम यानी समय की इकाई। समय की इकाई क्या है? बहुत अच्छे। 60 सेकेंड बराबर क्या होता है? वन मिनट। वन मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? ऐसे उल्टे सीधे दोनों तरफ से अपने को समझना है, ठीक। चलिए इसके बाद में 60 मिनट मिलकर क्या बनाते हैं? वन आवर, यानी एक घंटा। फिर 24 घंटे मिलकर क्या बनाते हैं? 7 डे मिलकर क्या बनाते हैं? और 2 वीक मिलकर क्या बनाते हैं? एक पखवाड़ा। 15 दिन मिलकर क्या बनाते हैं? एक पखवाड़ा। 2 पखवाड़े, वन मंथ। वेरी गुड, वन मंथ बनता है। और 12 मंथ मिलकर क्या बनता है? वन ईयर। अब भाई वन ईयर तक का क्लियर हो गया था हमारा, कि वन ईयर तक हमको पता हो गया था कल की क्लास में। अब इससे बड़ा हम जोड़ते जाएंगे, सालों को जब हम जोड़ेंगे, कई साल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये भी नॉलेज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा ये बताओ, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? इस क्लास के सारे वीडियो आपके मोबाइल पर जाने वाले हैं, यूट्यूब पर जाने वाले हैं, तो आप लोग कभी भी इस क्लास के वीडियोस देख सकते हैं जब आप भूलें तो, ठीक। और जिन लोगों ने इस अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचर रितेश रघुवंशी को, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक साल तक की बात हो गई थी। एक साल में होते हैं 12 महीने, है ना, मंथ। 12 मंथ होते हैं। और अगर डेज जोड़े तो वन ईयर में कितने डेज होते हैं? 365।
यानी कि 365 डेज है ना, 365 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कितने वीक होते हैं, यानी कितने सप्ताह होते हैं, पता है क्या? किसको पता है एक साल में कितने सप्ताह होते हैं, कौन बताएगा? चलिए मैं यहां लिख देता हूं सप्ताह यानी वीक। चलिए भाई, पता है किसी को? जिसको पता होगा उसको इनाम मिलने वाला है, टॉफी 5 स्टार। महीने होते हैं? होते हैं 12 महीने में 365 दिन होते हैं टोटल, एक महीने में होते हैं 30 दिन, लेकिन 12 महीने में 365 दिन, जबकि नियम से क्या होना चाहिए था कि जब एक महीने में 30 दिन होते तो 12 गुणित 30 हम कर देते तो कितना आ जाता? 360 दिन आता 360 दिन। फिर ये 365 क्यों हो रहे हैं? कभी कभी मंथ में 30 से ज्यादा डेज होते हैं। जोरदार ताली बजाएं भाई के लिए, राघवेंद्र के लिए। भाई ये कैसे पता चलेगा कि मैं किस मंथ में 30 से ज्यादा और किस मंथ में 30 से कम है? 31 फरवरी में, कभी-कभी 28, कभी-कभी 29 मार्च में 31 अप्रैल। स्टैंड अप करो, जब तो आप रिकॉर्ड होंगे वीडियो में। मई में 31 31। अच्छा, बहुत बढ़िया, आप इनके लिए बजाएंगे जोरदार ताली सबसे पहले, और ये आपके लिए एक ट्रॉफी। ओके, बहुत बढ़िया राघवेंद्र, आपने प्रयास किया। आप सब लोग सीखना चाहते हैं किस महीने में कितने दिन होते, पता करना चाहते हैं क्या? चाहते हैं भाई? पूरा ध्यान लगा के समझना पड़ेगा इस बात को, क्योंकि आपकी उम्र है छोटी, ज्ञान थोड़ा सा बड़ा है, ठीक। लेकिन यहाँ रख दे रहे हैं भाई, कोई उठा के खाना नहीं है ना, बड़े शैतान बच्चे हो क्योंकि आप लोग। देखिए आपके हाथ में फिंगर्स कितनी है, बनाओ मुट्ठी, जरा मुट्ठी बना लिए, अब पंच बनाओ, ऐसा दिखाओ जरा, दिख रहा है ऐसा? अब ऐसा करो, सब लोग कर रहे हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ जब आप देखेंगे तो आपको ये एक ऊंचा, एक फिर गड्ढे वाला, फिर एक ऊंचा, फिर एक गड्ढे वाला, फिर एक ऊंचा, फिर एक गड्ढे वाला, फिर हड्डी, फिर गड्ढा, पढ़ रहा है ऐसा? ये अगर आपको समझ में आ गया, इसी से आप महीने में किस महीने में कितने दिन होते हैं ये आप निकाल लोगे, ठीक। अच्छा, 12 महीने के नाम तो सबको पता होंगे भाई, किसको पता है? खुशी, आप बताएं, अगर आप बता दोगे तो आपको भी मिलेगा एक इनाम, ठीक। चलिए उस तरफ देख के, है ना, ये आ रही हैं इसमें वीडियो में, फिर से बेटे एक मिनट, वीडियो में आ रही हैं, नहीं आप आगे आके यहाँ बताओ। हाँ चलो, 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली इनके लिए भाई, ये लीजिए खुशी। बहुत बढ़िया बेटी, तो देखिए खुशी ने यहाँ बताया कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ऐसे 12 महीने होते हैं। तो ये तो लगभग सबको याद होगा, तो सबसे पहले कौन सा महीना आता है? जनवरी। फिर फरवरी। फिर मार्च। फिर अप्रैल। फिर मई। फिर जून। फिर जुलाई। फिर फिर दिसंबर। फिर अक्टूबर। फिर नवंबर। फिर दिसंबर। इतना पता ना, तो ये पता है तो आपको दिन भी पता हो जाएंगे। अब ये जो मैंने बताया था, इसमें एक ऊंचा और एक नीचा आपको दिख रहा है? अपनी मुट्ठी में देखिए, दिख रहा है? अब ये पहले नंबर की जो आपकी जो सबसे ऊंचा वाला भाग है उससे आप गिनना चालू करेंगे, ठीक। इसको बोलेंगे जनवरी, गड्ढे वाले को बोलो फरवरी, फिर ऊंचे वाले को बोलो गड्ढे में, फिर ऊंचे में, फिर गड्ढे में, फिर ऊंचे में,
फिर ऊंचे में, क्योंकि इसके बाद गड्ढा नहीं आता, फिर इधर इधर आएंगे अपन तो फिर ऊंचा जाएगा। अगस्त फिर गड्ढे में, फिर ऊंचे में, फिर गड्ढे में और फिर ऊंचे में आ रहा है। ये गिनना जाएगा, सब गिन के देखो एक बार एक साथ। दिसंबर गड्ढे में आया कि ऊंचे में आया? बहुत अच्छे, जोरदार तालियां आपके लिए। अब जो ऊंचे वाले हैं ना, जिस महीने का नाम ऊंचे वाले में आया था, हड्डी वाले में आया था, उसको अपन 31 डेज मानेंगे। कितने डेज? 31 डेज। और जो गड्ढे में आया उसको 30 लगभग 30 डेज। इसमें एक थोड़ा सा अपवाद है, फरवरी का महीना, फरवरी का जो महीना है उसमें 30 डेज नहीं होते, उसमें 28 डेज होते जनरली, और हर चौथे साल उसमें 29 एक डेज बढ़ जाता, 29 डे हो जाते हैं, एक दिन बढ़ गया तो 29 डेज हो जाए। समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। चलिए एक टेस्ट लेते हैं, जो सबसे पहले बताएगा उसको ये वाली चॉकलेट मिलने वाली है। आपको बताना है सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30 या 31? देख के बताना है, काउंट करके, और हाथ उठाना है, जिसका हाथ सबसे पहले उठेगा उससे पूछेंगे। यस, नमन ने उठाया। 31 सितंबर में 31 आ रहा है क्या? क्रॉस चेक करिए। बैठो नमन, कोई बात नहीं। कितना बेटा? 30। नव्या रघुवंशी ने बताया 30, जोरदार तालियां नव्या के लिए। वेरी गुड नव्या। 30 कैसे पता चला? हमने चालू किया फिर से, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त आया था 31 का, सितंबर 30 का, है ना? तो ऐसे आपको काउंट करना है। समझ रहे हैं आप बात? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं बेटा। 365 डेज होते हैं और सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह अगर आपको ज्ञात करना है तो एक शब्द में आपको बता देते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक, यानी 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह? 52 सप्ताह एक साल में होते हैं। अब हाउ मैनी वीक इन अ ईयर, एक साल में कितने वीक होते हैं? 52। कोई भी पूछे आप बता दोगे? कितने बताओगे अजीत? 52 वीक। कितने ईयर में? 2 ईयर में कि 1 ईयर में? वेरी गुड, अजीत के लिए जोरदार तालियां। तो भाई ये चीज़ें थी जो बेसिक चीज़ें आपसे करनी थी चर्चा, सप्ताह तक आप पहुंच गए, साल का मैटर यहीं ख़त्म करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ये जो ईयर है इसमें एक चीज़ और है जो आपको पता होनी चाहिए। आपको पता है एक साल में कितने दिन होते हैं? कितने? 365। वेरी गुड, 365 यानी 365। अब ऐसा नहीं होता कि हर साल 365, हर 3 साल के बाद चौथा साल जो आता है 366 डेज हो जाते। समझ में आ रहा पीछे बच्चों को? हाँ मज़ा तो आ रहा ना। देखिए ये जो ज्ञान है ना, ये बहुत ख़ास है आपके लिए। इसलिए ख़ास है क्योंकि बेटा ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन वो बाहर से सीखते हैं। हमारे पास समय है अभी एक महीने का, एक महीने हमें अच्छे से जनरल नॉलेज ही अपडेट करना है, तो इस कारण हम यहाँ से सीखेंगे, अपने स्कूल से सीखेंगे। क्या नाम आपके स्कूल का? वेरी गुड, जंगल बुक इंटरनेशनल स्कूल। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। अब ये देखिए जब 365 डेज होते हैं तब वो एक नॉर्मल ईयर होता है। क्या होता है? नॉर्मल, साधारण, सामान्य वर्ष बोल दो उसको, हिंदी में लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, सामान्य वर्ष होता है। लेकिन जब 360 डेज हो जाते हैं तब उसे हम लीप वर्ष कहते हैं,
या अधिवर्ष भी कहते हैं, लीप ईयर, है ना, लीप वर्ष या लीप ईयर हम इसे कहेंगे। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366। कितने? 366। एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366। लीप ईयर को अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष में कितने दिन होंगे? 366। 366। सामान्य वर्ष में कितने दिन होंगे? 365। और अधिवर्ष में 366। अब आपको लीप ईयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब हम ब्रह्मांड पढ़ने वाले हैं, अभी आगे की क्लासेस में अपन ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, है ना, तो हम पृथ्वी के बारे में भी पढ़ेंगे, हम चंद्रमा के बारे में भी पढ़ेंगे, सूर्य के बारे में भी पढ़ेंगे, तब हम ये जानेंगे कि ये लीप ईयर क्यों होता है, ये लीप ईयर होता क्यों है, ये भी आपको पता चलेगा। भाई एक दिन कैसे ज़्यादा बढ़ा के दे देते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि आज मूड हुआ एक दिन बढ़ाए, उसको दो दिन भी तो बढ़ा सकते। फिर तो किसी राजा ने फरमान जारी किया 5 दिन ज़्यादा हमारी तरफ से साल में, तो क्या 5 दिन बढ़ा देंगे? क्या नहीं बढ़ाएंगे ना। तो ये बढ़ता क्यों है ये भी हम समझेंगे आने वाली कक्षाओं में। चलिए हम वापस चलते हैं, हमारी जो सामान्य ज्ञान की श्रृंखला चल रही है उसमें हम वर्ष तक पहुंच गए थे। वर्ष में हमने देखा कि लीप वर्ष भी होता है, वर्ष में हमने देखा सामान्य वर्ष भी होता है, हमने वर्ष में देखा कि सप्ताह कितने होते हैं, 52 सप्ताह होते हैं, हमने इसमें ये भी देखा कि 365 या 366 दिन होते हैं, कब 365 होते हैं, कब 366 होते हैं, इस पर भी आप लोगों के सामने हमने प्रकाश डाला, आप उसे भी बेहतर तरीके से समझ पाए। साथ ही साथ आप आज ये समझ पाए हैं कि किस माह में 30 दिन होते हैं और किस माह में 31 दिन होते हैं। 30 डे का मंथ होता है और 31 डेज का मंथ होता है, तो वो भी आप समझ पाए। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अच्छा, 28 डेज किस महीने में होते हैं? फरवरी। वेरी गुड, फरवरी में होते हैं। अच्छा, कब 29 डेज की फरवरी होती है? लीप ईयर में। वेरी गुड, तो ये चीज़ें आप समझ पाए। अब हम वर्ष, हमने 12 माह बराबर एक वर्ष यहाँ पर पढ़ा था, राइट, इतना पढ़ा था। अब हम 10 वर्ष को क्या कहते हैं उसको समझिए। 10 वर्ष को क्या कहते हैं, कौन बताएगा? जो बताएगा उसकी तो ये मंच पक्की है भाई। हाँ बताओ बेटा प्रिंसी, क्या कहते हैं 10 वर्ष को एक साथ, क्या कहते हैं पता है आपको? क्या आओ सामने आओ, इधर आओ, आप कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में। आप 10 वर्ष को क्या कहते हैं बेटा? 10 वर्ष को दशक कहते हैं। क्या कहते हैं? दशक, है ना, और अंग्रेजी में उसे डेकेड कहते हैं। एक ये पकड़िए आप यहाँ आए इसलिए जोरदार तालियां भाई, उनने प्रयास करी ना बताने का। वेरी गुड, जाओ बेटा। तो 10 वर्ष को हम एक साथ एक दशक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक दशक। अब एक 10 दशक जब आपस में मिलेंगे तब बनती है एक सेंचुरी। सेंचुरी को हिंदी में क्या कहते हैं? शताब्दी। शताब्दी को हम एक और शब्द क्या कहते हैं शॉर्ट में? सदी। सदियां बीत गई बोलते हैं ना, सदियां बीत गई, शताब्दियां बीत गई, सेंचुरी बीत गई। तो इसको हम 10 दशक जब मिलेंगे यानी कि 100 साल जब हो जाएंगे, 100 साल को हम बोलते हैं 1 सेंचुरी, 100 ईयर को हम बोलते हैं 1 सेंचुरी, और हिंदी में 100 साल को हम बोलते हैं 1 शताब्दी। क्या बोलते हैं? 1 शताब्दी। यहाँ तक का सामान्य ज्ञान आपको हमें आज समझाना था, कल हम इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज आपको इतना कंप्लीट करना है। देखिए बहुत लंबी क्लास आपकी हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि बेटा आपको थोड़ा थोड़ा देना है, थोड़ा थोड़ा सिखाना है। आप एक रिवीजन कर लें आज जो पढ़े उसका, कल से लेके आज तक का एक रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने यूनिट ऑफ टाइम किसको बोले थे? 60 सेकंड मिले तो
1 मिनट, 60 मिनट मिले तो 1 आवर, 1 घंटा, और 24 घंटे मिले तो 1 डे, 1 डे, 7 डे मिले तो 1 वीक, उसके बाद 2 वीक मिले तो एक पखवाड़ा, ठीक, 15 दिन का एक पखवाड़ा। इसके बाद में 2 पखवाड़े मिले तो एक, अच्छा, 1 महीने में अधिकतम कितने सप्ताह हो सकते हैं? 4। न्यूनतम कितने सप्ताह हो सकते हैं? 4। मतलब 4 सप्ताह से कम हो ही नहीं सकते, क्योंकि 28 दिन की फरवरी होती है, तो न्यूनतम और अधिकतम दोनों 4। 2-3 दिन ज़्यादा होते हैं, किसी में 1 दिन ज़्यादा, किसी में 2 दिन ज़्यादा, किसी में 3 दिन ज़्यादा, लेकिन सप्ताह उसे काउंट करेंगे अपन 4। फिर भाई 12 महीनों का 1 ईयर, 12 महीनों के नाम है ना, दिसंबर। इसके बाद में, हाँ भैया, इसके बाद में अपन अपने 12 महीने हो गए, कौन सा महीना बड़ा और कौन सा छोटा, चलो बताओ। जनवरी कितने का? 31। फरवरी? 28। मार्च? 31। अप्रैल? 31। मई? 31। जून? 31। जुलाई? 31। अगस्त? 31 है ना। फिर सितंबर? 30। इसके बाद में अक्टूबर? 31। नवंबर? 30। दिसंबर? 31। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छे यार। इसके बाद में अपन बात करते हैं, कहे कि क्या करे थे अपन ने, हाँ, डेज की। 1 ईयर में कितने डे होंगे? 365। और लीप ईयर में कितने डेज होंगे? 366। अच्छा, लीप ईयर कितने साल में एक बार आता है? हर चौथा साल। 3 साल सामान्य वर्ष और 4th साल लीप वर्ष, है ना। 10 साल मिला के क्या हो गया? एक दशक। अच्छा, साल में कितने सप्ताह होते हैं? 52। 52 सप्ताह होते हैं, राइट। इसके बाद में 10 साल का 1 दशक, 10 दशक का एक शताब्दी, है ना। 10 दशक में कितने साल होंगे? 100 साल। अच्छा, आपने ये सुना क्या, कई बार आपने सुना होगा रजत जयंती मना रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, कई बार आपने सुना होगा हीरत जयंती मना रहे हैं, है ना। ये 25-25 साल जोड़ते जाते हैं। रजत जयंती यानी सिल्वर जुबली, 25 साल हो गए तो सिल्वर जुबली, 50 साल हो गए तो गोल्डन जुबली, 75 साल हो गए तो डायमंड जुबली, 100 साल का मुझे भी पता नहीं है, पता करके बताऊंगा, है ना। ये तो जनरली निकल गई, इस कारण मैंने ये बात आपको बोल दिया। तो बेटा, आज के लिए इतना पर्याप्त है, अब आप अपनी जनरल क्लासेस जो चल रही है उसमें बैठ जाएंगे और अपना आगे का अध्ययन का कार्य करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।